थोड़ा सा जो है होल्डिंग एरिया बनाया गया है पूरा, ये फुल एसी पर भी है। ये चीज़ें आप देख पाओगे, ये इतना एरिया आप देख पा रहे हो, ये फुल एसी बनाया गया है। और यहाँ पे आप जब दर्शन करके आओगे तो यहाँ पे ठहर सकते हो कुछ टाइम के लिए। इधर शूज़ वगैरह के लिए भी जो है नए लॉकर्स इधर जो है तैयार किए गए हैं, ये इस तरीके से टेंट लगा के, तिरपाल लगा के, ठीक है। तो ये कुछ सुविधा जो है और बढ़ाई गई है, मिल जाएगा इस तरीके से। आपके घर में भी जो है बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको इस तरीके से जो है सुविधा दी जाती है, वो जाके इजीली दर्शन कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी आपके पास लगेज बैग वगैरह है सभी को जमा कीजिए यहाँ पर। देखिए ये सब नंबर्स पड़े हैं और फ़ोन भी आपका जो है यहीं पर जमा हो जाएगा। देखिए सामान जमा करने का केंद्र भी यहाँ पर लिखा होगा, ब्लॉक 2। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे प्रभु श्री राम जी का दर्शन किस तरीके से अभी कराया जा रहा है, क्या क्या माहौल है, क्या चीज़ें हैं, अभी पूरा आपको दिखाने वाले हैं। और बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम में करीब करीब 7 बज रहे होंगे, तो चाहे सारी चीज़ों को दिखाना स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी हम बताएं कहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सामने जो है वो प्रभु श्री राम जी का मंदिर जाने के लिए श्री राम जन्मभूमि पथ बनाया गया है, उधर से चलेंगे अंदर और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी आप लोग देखिएगा ये है पूरा राम पथ मार्ग, और अभी का माहौल देखिए एक बार आप लोग, ये देखिए श्रद्धालु इधर से आ रहे हैं, जितने भी सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए अब सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे, इधर से आ रहे हैं सभी लोग और ऐसे ऐसे होते हुए आगे जाएंगे दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हम भी चलेंगे अंदर और सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, और अभी क्या माहौल है, भीड़ है, नहीं, सारी चीज़ें जो आपको दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल चलते हैं अंदर और सारी चीज़ों को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये है सामने श्री राम जन्मभूमि पथ, और इधर देखिए एक बार इस तरीके से देखिए श्रद्धालु जो है आ रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल चलेंगे हम भी अंदर और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। अभी देखिएगा भीड़ मॉर्निंग टाइम पे आपको इसी तरीके से कुछ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम भीड़ अभी भी हो रही है, कि मतलब उस लेवल की भीड़ अब नहीं हो रही है। तो आप लोग जो है दर्शन करना चाहो, अगर आप लोग अभी तक नहीं आए हो तो दर्शन कर सकते हो आके, ठीक है, ईजिली, और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाएगा। अगर आप मॉर्निंग टाइम पर कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में जो है आपका दर्शन वगैरह कर दिया जाएगा। ये देखिए ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इधर इस साइड पर, और यहाँ से जो है अंदर की ओर जाना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल जाएगा अभी का, और यहाँ से आपको जाना है अंदर की ओर। तो फिलहाल चलते हैं अंदर और चीज़ों को दिखाते हैं, आते हैं। अभी भी देखिएगा अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसें जो है चल रही हैं, तो ईज़िली जो है आप इनकी सुविधा ले सकते हो। देख सकते हो किस तरीके से लोग इसमें जो है बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा यार फुल अप होकर चलती है, लोग वेट करते हैं इलेक्ट्रिक बसें का। जब से ये चल रही तब से जो है लोग जो है प्राइवेट बस टैक्सी वगैरह जो है वो नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। और चलते हैं यहाँ से मंदिर, और ये देख पाओगे आप लोग इस तरीके से, ये तो आप देखे होंगे पहले वाली वीडियोज़ में, इस तरीके से टीन सेट वगैरह लगाया गया था, ये बोल सकते तिरपाल इसको लगाया गया था। और काफ़ी अच्छा ये है जो है छांव बहुत ही अच्छा से देता है, क्योंकि दोपहर में या भाई गर्मियों का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है लोगों को। इस तरीके से जो है अभी आपको देखने को मिलेगा, बीच में बैरियर लग गया है, इस साइड से जो है आपको जाना है दर्शन करने के लिए आगे की ओर यहाँ से। और ये मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी श्रद्धालु जो आते हैं एक दो दिन पहले यहाँ पर रुके रहते हैं, वो भी सोचते हैं कि मॉर्निंग टाइम में ही दर्शन कर लें। और इस साइड पे देखिएगा तो इस टाइप पे अलग अलग जो है काउंटर वगैरह बनाए गए हैं, आने वाले टाइम में शायद सिक्योरिटी चेकिंग के लिए भी जो है इधर ही बनाया जाए, बाकी अभी तो आगे ही है। तो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा, इधर जो है अलग अलग ये लगाए गए, मैंने आपको बताया भी था। तो चलते हैं दोस्तों अंदर, और अभी आप लोग देखिए ये काफ़ी अच्छी सुविधा कर दी गई है। और इस साइड से आप जो देखिए ये वाला खाली है, इधर से जो है जो विकलांग लोग हैं उनके लिए जो सुविधा की है गवर्नमेंट ने, वो लोग जो है इधर से उनको ले जाया जाता है, ठीक है। और अभी इस तरीके से काफ़ी अच्छा हो चुका है, जो लाइन वाइज लोग आ जाएंगे आगे दर्शन करने के लिए। और ये पूरे जो है जन्मभूमि पथ पे लगाया गया, करीब 500 से 600 मीटर दूरी तक ये पूरी चीज़ें लगाई गई हैं। और उस साइड पे जो है अब सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था आपको जब रामनवमी का टाइम था। ये देखिएगा दोस्तों, उस साइड से भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपके घर में भी जो है बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको इस तरीके से जो है सुविधा दी जाती है, वो जाके इजीली दर्शन कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर ऐसा कोई हो तो आप डरिए मत, बिल्कुल आइए, आपको जो है दर्शन कराया जाएगा इजिली प्रभु श्री राम जी का। और रामनवमी के टाइम पे तो इस साइड पर भी कुछ लगाए गए थे, डेकोरेशन वगैरह किया था, अब जो है सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। उधर से मैं आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा सारी चीज़ें किस तरीके से हैं। और फ़िलहाल तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें। अब मॉर्निंग का टाइम है तो ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। देखिए तो यहाँ से आप देख पाओगे सामने प्रभु श्री राम जी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बैरिकेडिंग वगैरह के बाद जो है उधर केरन वगैरह लगाए रहे हैं ना, वहाँ से जो ये चीज़ें होती हैं। ये देख रहे हैं विकलांगों के लिए है इस साइड पे, लेकिन लोग जो चल रहे हैं उसी पे। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों जो लोग भक्ति पथ से आते हैं वो यहाँ से आते हैं, इस साइड से यहाँ से निकलते हैं और सीधा दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इधर से भी आप लोग आ सकते हो, पहले हनुमान जी का दर्शन कर सकते हो, उसके बाद जो है इस साइड से आ पाओगे आप लोग और ऐसे ऐसे दर्शन करने के लिए अंदर जाओगे। और यह है निकासी द्वार, इधर से आपको बाहर की ओर निकलना है। रामनवमी के दिन ये मार्ग बंद कर दिया गया था और आगे से निकाला जा रहा था, मैं अभी वो भी चल के आपको दिखाऊँगा कहाँ से जो है निकाला जा रहा था। देखिए तो यहाँ का इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और जितने जो है विकलांग लोग हैं उनको आगे की ओर लेकर जाया जाता है, सीधा उनको जाया जाता है, उनका इधर कोई चेकिंग वगैरह नहीं होता, सीधा आगे की ओर जाते हैं वो। तो ये है दोस्तों यहाँ का व्यू, इधर का ये चीज़ें देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर जो सिक्योरिटी चेकअप होता है, यहाँ से चलेंगे अंदर और अंदर के व्यू आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। तो यहाँ चलते हैं दोस्तों अंदर, और अभी आप लोग दिखेगा ये सिक्योरिटी चेकअप वगैरह इधर होता है पूरा, तो यहाँ से हम चल जाएंगे अंदर की ओर इधर से इधर जो है बैग वगैरह आप लिए रहोगे तो वो चेक होगा, और फ़ोन लेकर आप अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना स्पेस है पूरा इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए फिर यहाँ से चलना अंदर की ओर, जैसे कि आप गुटखा वुटका वगैरह खाते हो तो वो चीज़ें देखिए यहीं पर रख दिया जाता है, ये देखिए यहाँ पर रख दिया जाता है ये चीज़ें। और अब चलते हैं यहाँ से अंदर, तो ये देखिए सामान वगैरह ऐसे रख देना है आपको और फिर जाना अंदर की ओर। ये देखिए यहाँ से जाना अंदर, इस तरीके से आप लोग आ जाओगे फ़ोन लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है दोस्तों अंदर का व्यू, मैंने कई बार दिखाया और आज सोचा मैंने दिखा दूँ कि रामनवमी के बाद का क्या माहौल है, क्या चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आप देख पाओगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से टेंट लगाया गया है पूरा, और इधर आप लोग देखिएगा ये काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर लोग को बैठने के लिए, लोग इजिली जो है बैठते हैं, काफ़ी अच्छा भी रहता है उनके लिए। इधर जो है सूज वगैरह जमा होता है, आप लोग जो है जमा कर पाओगे इधर की ओर, ठीक है, सूज जमा करके उसके बाद दर्शन करने के लिए जाओगे। तो आगे वहाँ पे अपना जो है बैग वगैरह सब जमा कर दीजिए, उसके बाद उधर से जाइए, वो देखिए लाइन जा रही है, वहाँ से आपको जो है दर्शन करने के लिए जाना है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी सुविधा जो है अंदर की ओर किया गया है, यहाँ पर कैमराज वगैरह हर जगह पर लगे हैं, सारी चीज़ें फ़ैन वगैरह भी जो है लगाया गया है। तो कुछ इस तरीके से इधर आपको सूज अपना जमा कर देना है, देखिए इधर अपना जूता चप्पल जितना है सबको जमा करना है इधर, और आगे जो है सामान वगैरह सब रखना है। तो कुछ इस तरीके से माहौल देखने को मिलेगा, और देखिए उधर से उधर वाले लोग रहते हैं इधर से इधर, तो कुछ ये है माहौल साथियों अभी का, आप लोग देख पाओगे। इधर भी जो है शूज़ वगैरह जमा होता है इस साइड पर, ये देखिए तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। उधर जो है लॉकर वगैरह बनाए गए हैं और कुछ जो है लॉकर बढ़ा दिए गए हैं उस साइड पर, ताकि और भी लोग जब आएँ एक साथ तो कोई दिक्कत ना हो और जो है सभी सामान वगैरह जमा कर सकें एक साथ में। वैसे भी बहुत ही स्पेस था पहले से भी, लेकिन अब और बढ़ा दिए तो काफ़ी बेटर है। तो इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल जाएगा अभी। और इधर देखिए काफ़ी दूर तक जो है शूज वगैरह भी जमा होता है इधर,
काफी दूर तक। ये देखिए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है अभी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ का माहौल, अंदर का ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि अभी का माहौल क्या है। करीब 7-8 बज रहे होंगे और सुबह सुबह का इस तरीके से आप जो है देख पाओगे, ठीक है। इधर जो है निकास द्वार है, इधर से आप जो है निकल पाओगे, ठीक है। जब आप दर्शन करके आओ, अपना सामान वगैरह लो, ये बीच से भी आप सामान ले सकते हो यहाँ से। जब आप सामान लोगे तो यहाँ से आप सीधे बाहर की ओर निकल पाओगे, देखिए। और जो मैं बोल रहा था कुछ लॉकर्स वगैरह और बढ़ाए गए हैं, उनको मैं आपको बताऊं, तो इस साइड पे और जो है नए लॉकर्स बढ़ा दिए गए हैं, और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क भी चल रहे हैं, जो आने से आगे चल के शायद लॉकर्स बनाए जाए या कुछ और बनाया जाए। मैं आपको थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख पाओगे। इधर ये देखिए, अभी जो है इधर पूरा वर्क हो रहा है, पत्थर वगैरह सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, और इधर जितने भी देखोगे ये सारे नए लॉकर्स हैं, देखिए सही सभी जो है नए लॉकर्स बनाए गए हैं। इधर शूज़ वगैरह के लिए भी जो है नए लॉकर्स इधर जो है तैयार किए गए हैं, ये इस तरीके से टेंट लगा के, तिरपाल लगा के, ठीक है। तो ये कुछ सुविधा जो है और बढ़ाई गई है। निकासी द्वार इधर से भी है, मतलब इधर से नहीं है, इधर से जो है आप सामान वगैरह लोगे, निकल भी सकते हो, यहाँ पर ठहर भी सकते हो। होल्डिंग एरिया अंदर बनाया गया है, मैंने पिछली वाली वीडियोज़ आप लोग जाके देखना रामनवमी के टाइम पर, तो वहाँ पर आपको फुल एसी की जो है सुविधा दी जा रही है। आप इजीली जो है उसमें रुक सकते हो, काफ़ी टाइम तक सारी चीज़ें जो है कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए इधर जो है पूरा रैक वगैरह खाली है, सब इतना स्पेस है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो एक साथ दर्शन करने आए तो उनका भी जो है दर्शन हो सके, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे रैक्स वगैरह खाली है, देखिए इनका यूज़ भी नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से माहौल जो है अभी आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी तो आगे से लोग जो है निकलेंगे और जाने सामान वगैरह जमा करेंगे। देखिए यहाँ पे जमा किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ किस तरीके से होता है सारी चीज़ें। जैसे कि ये देख पाओगे, जितने भी आपके पास लगेज बैग वगैरह है सभी को जमा कीजिए यहाँ पर। देखिए ये सब नंबर्स पड़े हैं, और फ़ोन भी आपका जो है यहीं पर जमा हो जाएगा। देखिए सामान जमा करने का केंद्र भी यहाँ पर लिखा होगा, ब्लॉक 2, उधर भी ब्लॉक 2, लॉकर 2 करके इस तरीके से दिया गया है। देखिए लेडीज़ के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, सारा जो है सामान वगैरह जमा कर पाओगे, उधर से फिर निकल के आगे दर्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ माहौल आपको जो है अभी का देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें इधर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और ऊपर जो है ये कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं। अभी देखिए कब तक ये कम्प्लीट होते हैं, कब तक क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे भी कम्प्लीट होगा, कुछ नया बनाया जाएगा, सब कुछ आपको हम बताएँगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर की ओर, और मैंने सोचा अंदर का व्यू आपको दिखा दूँ इसी वीडियो में तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप लोग कहोगे आधा अधूरा दिखाते हो। तो अंदर भी आपको दिखा दें, थोड़ा सा जो है होल्डिंग एरिया बनाया गया है पूरा, ये फुल एसी मैंने दिखाया था इसके पहले वाली वीडियोज़ में, और अभी यहाँ पर भी है। ये चीज़ें आप देख पाओगे, ये इतना एरिया आप देख पा रहे हो, ये फुल एसी बनाया गया है, और यहाँ पर आप जब दर्शन करके आओगे तो यहाँ पर ठहर सकते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और ये है बाहर का व्यू, इस तरह से आप निकासी द्वार इस साइड से जाओगे निकल जाओगे, या फिर उधर से जाओगे तो भी बाहर जो है निकल जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लॉकर वगैरह है, तो यहाँ पे अपना जो है सामान जितना भी आप आगे जमा करोगे आपको यहाँ पीछे से मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम चलेंगे बाहर की ओर, और बाहर चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे जाना है। और तो ये है दोस्तों बाहर का व्यू, इधर से हम आए अंदर से बाहर की ओर इस साइड पर। अब यहाँ पे जो है अपना शूज़ वगैरह आप ले सकते हो, उसके बाद बाहर की ओर निकल सकते हो। तो बाहर का भी चलिए कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं, कैसे कैसे आपको जो है बाहर की ओर जाना है। तो ये दोस्तों इधर से जो है निकासी द्वार बनाया गया है, और जब रामनवमी था तो इस साइड से आपको निकाला जाता था, ये गेट जो है अभी फ़िलहाल बंद है। यहाँ से जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ से आपको जो है बाहर की ओर भेजा जाता है, और श्री राम हॉस्पिटल के जस्ट बगल ये मार्ग जो है जाके निकलता है, ठीक है। अभी जो है इस साइड से ही आपको निकाला जा रहा है, क्योंकि भीड़ जो है कम हो चुकी है, तो यहीं से जो है आपको निकाला जाएगा आगे की ओर, जन्मभूमि पथ से होते हुए जाओगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों देखने के मिलेगा यहाँ का व्यू, ये चीज़ आप लोग देखिए, सभी लोग जो है दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं इधर से, और इधर से हम चलेंगे बाहर। और अभी यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे थे, जो कि शायद अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और इधर से जो है आपको जाना है इस तरीके से होते हुए। तो ये चीज़ें देखिए दोस्तों, इधर से आपको एंट्री लेना है, सिक्योरिटी चेकअप वगैरह होता है, और इधर से जो है आपको बाहर की ओर जाना है। देखिए इस साइड से आपको जो है राइट साइड से घूमना है, और जो है बाहर की ओर आप चले जाओगे। तो फिलहाल चल के थोड़ा सा वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको।
तो ये देख पाओगे दोस्तों, इस साइड से निकल रहे हैं और यहाँ से जो है आपको आगे की ओर जाना है। देखिए यहाँ से आप लोग जाइएगा, बाहर निकल जाओगे आप जहाँ से प्रवेश किए थे वहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए और रामनवमी के टाइम पर जो है यहाँ पर भी जो है राइक वगैरह लगाए गए थे, रेलिंग इस तरीके से लगाई गई थी ताकि आपको जो है इजिली वह बाहर निकल पाओ, ठीक है। अब भीड़ कम हो चुकी है तो सारी चीज़ें जो है निकाल दी गई है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल रहा है अभी का व्यू। बाकी आगे की चीज़ें मैंने आपको दिखाया ही है क्या चीज़ें किस तरीके से है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आगे ऐसा कुछ खास है नहीं कि आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।